हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग बेटा आपकी क्लास बी ए सेकेंड ईयर है और आज हम सेमेस्टर फोर्थ है जो वो स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी नई क्लास उम्मीद है आपको सेमेस्टर थर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी इंग्लिश लिटरेचर में मैंने जो नोट्स प्रोवाइड प्रोवाइड किए थे वो काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे आपको तो आज हम बी ए सेकेंड सेमेस्टर सेकेंड थर्ड का जो फोर्थ सेमेस्टर है उसका सिलेबस पहले डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारा जो सिलेबस है फोर्थ सेमेस्टर का वो इस तरह से है इंग्लिश लिटरेचर में जो फर्स्ट मॉड्यूल है बेटा आपका जो आपको थ्री मॉड्यूल्स हैं इसमें लिटरेरी मास्टर पीस एलिमेंट्री लिंग्विस्टिक एंड इंग्लिश ऑफ जर्नलिज्म ठीक है जी तो लिटरेरी मास्टर पीस में स्टडी ऑफ क्लासिक्स का होगा लिंग्विस्टिक्स में फोनोलॉजी एंड सेंटिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज होगा और जर्नलिज्म है जो उसमें रिपोर्टिंग एडिटिंग और राइटिंग होगा तो मैं आपको सिलेबस तो सारा करवा देती हूँ बेटा पर हम जो इस वीडियो में मेरे चैनल पे जो हम सिलेबस डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा सेकंड मॉड्यूल एलिमेंट्री लिंग्विस्टिक फोनोलॉजी एंड सेंटेक्सट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इस ये जो, जो मॉड्यूल है हम ये सेकंड मॉड्यूल का हम पेपर जो है इसमें मैं आपको इसमें नोट्स प्रोवाइड करूंगी और इस सेमेस्टर में हम सेकंड मॉड्यूल है जो वो चूज़ करेंगे आपको ऑप्शन होती है कि तीनों मॉड्यूल में से आपने एक मॉड्यूल चूज़ करना है तो मैं आपको लिंग्विस्टिक करवाने वाली हूँ तो मेरा जो मॉड्यूल रहेगा वो सेकेंड रहेगा सिलेबस मैं आपको सारा बता देती हूँ तो हम थ्री मॉड्यूल्स में सेकेंड मॉड्यूल का जो सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे लिंग्विस्टिक का तो सेकेंड मॉड्यूल में ये फर्स्ट मॉड्यूल है बेटा और आपका सेकेंड मॉड्यूल जो है वो ये रहा मॉर्फोलॉजी एंड सिंटेक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इसमें आपको सिलेबस है जो सेकेंड यूनिट का इसमें मॉर्फोलॉजी एंड सिंटेक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज मॉर्फोलॉजी ऑफ इंग्लिश चैप्टर नंबर एट आएगा मॉरफीम्स सेकेंड नाइन चैप्टर आएगा वर्ड्स टेंथ चैप्टर आएगा प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन ये चैप्टर्स हैं इनके आपने क्वेश्चन तैयार करने हैं और सिंटेक्सट में आपको फोर्टीन चैप्टर है नाउन एंड वर्फ फ्रेसिस फिफ्टीन चैप्टर है बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स पार्ट ऑफ स्पीच पोज़िशनल क्लॉजेस एंड मॉडिफिकेशंस इसके लिए जो आपको बुक बताई गई है वो ये है नॉर्मन सी स्टीज़ बर्क की बुक एंड इंट्रोडक्शन लिटरी इंग्लिश ग्रामर ये बुक है आपको है द फॉलोइंग पार्ट्स चैप्टर्स फ्राम दिस बुक अलॉन्ग विद दियर रिस्पेक्टिव एक्सरसाइज आर टू बी स्टडी इसमें जो एक्सरसाइज हैं वो हमने स्टडी करनी है चैप्टर नंबर एट चैप्टर नंबर नाइन एंड चैप्टर नंबर टेन उसके बाद सिंटेक्स के लिए हमने चैप्टर नंबर फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन एंड सेवेंटीन करना है तो ये करना कैसे है आपको फर्स्ट यूनिट है जो देयर शैल बी फोर ऐसे ता, टाइप क्वेश्चन आएंगे जो इलेवन एंड हाफ मार्क्स के होंगे यूनिट वन में कैंडिडेट उनमें से दो क्वेश्चंस करेगा जैसे कि इसमें बताया गया कि फोर क्वेश्चन होंगे जो इलेवन मार्क्स के होंगे मॉर्फिन ऑफ इंग्लिश एंड सिंटेक्स ऑफ इंग्लिश चैप्टर जो यूनिट सेकेंड में मैंशन किया गया है टू ऑफ दिस क्वेश्चन शैल बी ऐसे टाइप दो ऐसे टाइप होंगे अदर टू शैल बी बेस्ड ऑन द एक्सरसाइज और बाकी दो जो क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज बेस्ड होंगे जो आ चैप्टर्स में से दिए जाएंगे कैंडिडेट शैल अटम्प्ट एनी टू आउट ऑफ दीज इन चारों में से कैंडिडेट को कोई भी दो क्वेश्चन है जो वो करने होंगे जो इलेवन इलेवन मार्क्स के होंगे उसके बाद सेकर्ड थर्ड यूनिट में देयर शैल बी वन क्वेश्चन इन द सेक्शन कवरिंग द एंटायर क्वेश्चन सिलेबस एक क्वेश्चन आएगा जो पूरे सिलेबस को कवर करता होगा दिस क्वेश्चन शैल कंसिस्ट ऑफ फिफ्टीन शॉर्ट आंसर टाइप इसमें पंद्रह बेटा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे जो कि सिक्स यूनिट वन से होंगे और सिक्स यूनिट टू से होंगे और एट्टी टू हंड्रेड वर्ड्स में आपने इसका आंसर देना है और हर क्वेश्चन जो है वो ट्वेल्व टू मार्क्स का होगा इसलिए फिफ्टीन क्वेश्चन है जो वो थर्टी मार्क्स के आपको दिए जाएंगे ठीक है जी कहने का मतलब ये है कि आपका सिलेबस सिर्फ ये है ये चैप्टर्स आपको आने हैं एट नाइन टेन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन ये चैप्टर्स आपको आने हैं इन चैप्टर्स में से आपको लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और बुक की एक्सरसाइज आएगी ठीक है इन इनमें से आपको चार क्वेश्चन आएंगे तो आपने दो करने हैं कोई भी दो कर दो लॉन्ग क्वेश्चंस और फिफ्टीन क्वेश्चंस आपको शॉर्ट आएंगे जो कि थर्टी मार्क्स के होंगे तो आपका पेपर है जो बेटा वो सेवेंटी फाइव मार्क्स का है आपका सिलेबस सिर्फ़ इतना ही है कि मॉर्फोलॉजी ऑफ इंग्लिश के थ्री चैप्टर्स हैं सेंटेक्स ऑफ इंग्लिश के फ़ोर चैप्टर्स हैं इन सभी पर आपको लॉन्ग क्वेश्चन है जो वो लिखने होंगे ठीक है जी उम्मीद है आपको मैं ये सिलेबस समझ में आ गया होगा जिसने ये आपकी चॉइस है बेटा कि आपने कौन सा जो है सिलेबस फॉलो करना है या मॉड्यूल फॉलो करना है लिटरेरी मास्टर जो है उसमें आपको जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म और रॉबिसन क्रियुसो का नॉवल लगा हुआ है इसमें से आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन आएंगे ट्वेल्व मार्क्स के और रॉबिसन क्रूसो में से क्वेश्चन आएगा और जो पोइम्स हैं सेकेंड यूनिट में वो दी हैं शैली की पोइम है टेनिसन की पोइम्स हैं वो दी गई हैं वो आपने कवर करनी है तो इसमें ये सिलेबस है और जो जर्नलिज़्म है जर्नलिज़्म में आपको सिलेबस है जर्नलिज़म कैसे होता है रिपोर्टिंग कैसे होती है ठीक है वो राइटिंग कैसे करनी है आपने एडिटिंग कैसे करनी है वो सारा सिलेबस उसमें होगा तो इस जो वीडियो में मैं अपने चैनल पे आपको सिर्फ़ जो मॉर्फोलॉजी हमारा जो स्टडी होगी वो मॉर्फोलॉजी और सेंटेक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पे होगी हम इस मॉड्यूल में करेंगे जो बच्चे इस मॉड्यूल में पेपर देना चाहते हैं वो उ, वो उन बच्चों के लिए मेरी जो वीडियोस हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी उम्मीद है आप सेकेंड मॉड्यूल को चुनोगे क्योंकि हम लिटरेरी जो वर्क्स uh, हैं वो तो हमने पीछे सेशन में भी किए हैं तो और लिंग्विस्टिक भी आपका सिलेबस का एक पार्ट होना चाहिए तो मैं आपको सुजेस्ट करूँगी कि आप लिंग्विस्टिक है जो उसको ज़रूर इस मॉड्यूल में ज़रूर लिंग्विस्टिक को फॉलो करें ठीक है जी अगर फिर भी कहीं से कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो हम कल से जो है मॉर्फोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है मॉरफीज वो करेंगे ठीक है जी तो ठीक है जी कल मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसके साथ हम अपना सिलेबस जो है वो शुरू करेंगे ओके okay. अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते ओके okay. ओके okay, बेटा हैव अ नाइस डे